चलो बेटा डिस्कस करते हैं एक्सेस मेथड। देखो मेमोरी में जब भी हम लोग एक्सेस करते हैं तो ये चार वे हैं हमारे पास एक्सेस करने के, या तो मेमोरी सीक्वेंशियल एक्सेस हो सकती है, रैंडम एक्सेस हो सकती है, डायरेक्ट एक्सेस हो सकती है, या फिर एसोसिएटिव एक्सेस हो सकता है। तो ये एक्सेस हैं क्या? बेसिकली क्या, जितना भी आपके पास डिस्क हैं वो सब क्या सीक्वेंशियल हैं, या फिर फ्लॉपी है तो कहीं पर कुछ मेमोरी क्या होती है सीक्वेंशियल एक्सेस होती है। सोचो मेरे पास करंट रीडिंग हेड कहाँ पर है आपके पास इस समय पर, जीरो पर है, और मेरा डेटा पड़ा हुआ पांच पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो से पहुंचूंगा वन पर, वन से टू पर, टू से थ्री पर, थ्री से फोर पर, देन फाइनली क्या मिल जाएगा, एड्रेस मैच हो जाएगा, ये डेटा को मैं एक्सेस कर लूंगा। इसको कहते हैं हम लोग सीक्वेंशियल एक्सेस। ये सब होता है फ्लॉपी डिस्क में, ठीक है, उसमें क्या होता है सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। जो भी आपने एड्रेस दिया वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एड्रेस पर पहुंचेगा। डिस्क शेड्यूलिंग में टोटल आपने यही परफॉर्म किया, कौन सा एक्सेस था वहां पर सीक्वेंशियल एक्सेस। जैसे आपने कहा मेरे पास करंट हेड पोजीशन है 100 और 125 ट्रैक की रिक्वेस्ट आ गई, तो मैं क्या करता हूँ सीक करते हुए जाता हूँ सीक्वेंशियल में, 125 से कहा जाएंगे 126, 127, 128, और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे अपने एड्रेस तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। देन दूसरा एक्सेस है आपके पास रैंडम एक्सेस, जो हमने पढ़ा था रैम के अंदर। रैम क्या होती है, रैंडमली एक्सेस होती है। रैंडम एक्सेस में क्या होता है आपके पास, यह होता है डिकोडर, मैंने लगाया 3x8 डिकोडर, और यहाँ पर कितना हो गया आपके पास आउटपुट कितना हो गया 8, और पर्टिकुलर मेमोरी के हर एक वर्ड से क्या कनेक्टेड होगा आपके पास डिकोडर का आउटपुट। यानी कि आपने सिर्फ यहाँ पर एड्रेस रख दिया, जैसे आपने यहाँ पर एड्रेस लिखा 011, इट मीन्स एड्रेस नंबर 3, तो ऑटोमेटिकली वही अप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो जाएगा सेलेक्ट हो जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सेस कर लेंगे। इसे कहते हैं रैंडमली एक्सेस, ठीक है, रैंडम एक्सेस। तो सबसे फास्टर मेमोरी इसलिए रैम होती है क्योंकि उसमें रैंडमली एक्सेस होता है। देन थर्ड टाइप है डायरेक्ट एक्सेस। ये डायरेक्ट एक्सेस क्या है, उसमें होता है सीडीज में होता है डायरेक्टली एक्सेस। रैंडम प्लस सीक्वेंशियल दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। जैसे सीडी में आपको कोई सॉन्ग सुनना तो आपने डाला दिया 12, तो 12 वाला सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हम 12 तक तो हम क्या पहुंच जाते हैं रैंडमली पहुंच जाते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को सीक्वेंशियली एक्सेस करते हैं, वो सब कहलाता है आपके पास डायरेक्ट एक्सेस। सो हम जनरली क्या करते हैं अपनी जो भी मेमोरी है उस मेमोरी में हम लोग चेक पॉइंट्स बना लेते हैं। जैसे मैंने बना लिया कि 100 पर, 200 पर, 300 पर, फिर मैंने बना लिया 400 पर, और सीपीयू ने रिक्वेस्ट जनरेट की कि उसे करना है 250 वाला डेटा, उसे क्या करना है एक्सेस करना है, इस एड्रेस का डेटा उसको एक्सेस करना है, तो वो 200 तक तो क्या पहुंचेगा रैंडमली पहुंच जाएगा। जैसे आपने डिकोडर का सर्किट बनाया तो 200 तक क्या पहुंचेगा रैंडमली पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या होगा 201, 202, 203, जब तक उसे 2050 ना मिल जाए, देन उस वर्ड की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेंगे। इस टाइप के एक्सेस को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सेस। लास्ट है हमारे पास एसोसिएटिव एक्सेस। एसोसिएटिव एक्सेस में क्या होता है, जो जैसे मोबाइल फोन की आपके पास क्या है मेमोरी है, अगर आपको जो कोई भी फोन नंबर चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं उसका नाम टाइप करते हैं, वो पर्टिकुलर नंबर क्या जाता है आपके पास बफर में आ जाता है, उसके अंदर होती है कैम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कंटेंट एसोसिएटिव मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर किसी भी कंटेंट के एड्रेस से सर्चिंग नहीं होती, कंटेंट ही उस पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन लोडेड है, जो कंटेंट वहां पर लोड है उसके बिहाफ पर सर्चिंग होती है, उसके बिहाफ पर हम लोग क्या करते हैं एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग एसोसिएटिव एक्सेस।